समय बदलता है, इतिहास नहीं। फर्स्ट इंडिया की विशेष पेशकश अध्याय एक ऐसे इतिहास को सामने ला रही है जो राजस्थान के राजनीतिक उतार चढ़ाव को परिलक्षित करते रहे हैं। शौर्य भक्ति की अद्भुत भूमि, राजस्थान के इतिहास की यात्रा के सुनहरे अनकहे दुर्लभ पन्नों में झांकने का एक यह सियासी कार्यक्रम अध्याय एक प्रयास है, एक संकल्प है। इस कार्यक्रम में हम राजस्थान के उन राजनेताओं का, उस राजनीतिक विरासत का और उन तमाम सियासी घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे जो आज तक राजस्थान की सियासत को प्रभावित करने का काम कर रही हैं। स्मृतियों के पन्ने आने वाली पीढ़ियों का पद आलोकित करते हैं। अध्याय एक ऐसा ही प्रयास है जो राजस्थान के गौरवमयी राजनीतिक इतिहास और विरासत का स्मरण कराता है। राजस्थान के स्वर्णमढ़ इतिहास के झरोके से आज हम ऐसे व्यक्तित्व को सामने ला रहे हैं जिन्हें देश की राजनीति में अजात शत्रु कहा गया। ये वही अजात शत्रु जो खाचरियावास जैसे छोटे से गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा। हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो किसी दलगत राजनीति से नहीं जुड़े थे बल्कि सबके थे। हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान की राजनीति के वो चमकते सितारे रहे हैं, भले कई गांव उन्होंने सहे हों। अजात शत्रु को उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि वे ऐसे शख्स थे जिनसे किसी की दुश्मनी हो नहीं सकती थी। भैरव सिंह शेखावत के अगर करुणानिधि से रिश्ते थे तो जयललिता से भी। साल 2002 के अगस्त में जब भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था तब राजनीतिक दलों ने अपनी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उनका साथ दिया। तब ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया था कि वह वास्तव में अजात शत्रु है। राज्यसभा में सभापति के रूप में जब भैरव सिंह शेखावत ने अपना पद संभाला तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐतिहासिक बात कही थी। सभापति जी, कल्पना करिए 1952 की आधी शताब्दी बीत गई है, आप धूल से ऊपर उठकर माथे का चंदन बन गए हैं। खाचरियावास के एक साधारण और सामान्य परिवार से निकलकर भैरव सिंह शेखावत ने सियासत की उच्च ऊंचाइयों को ग्रहण किया। 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी मिला। बंटवारे के बाद सिंध से आकर लाल कृष्ण आडवाणी ने जब राजस्थान में जनसंघ का काम किया था, चाहे झालावाड़ हो चाहे जयपुर, तब वह जयपुर के चौड़ा रास्ता वाले दफ्तर में रहा करते थे। 1952 में पूरे देश में चुनाव होने थे, राजस्थान में जनसंघ खुद को मजबूत पा रहा था क्योंकि जागीरदार यहाँ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। मगर विरोध के और समर्थन के बीच कैंडिडेट भी तलाशते थे जो योग्य हों, उम्मीदवार जीतने लायक हों। और सीकर के लिए भी यही तलाश लाल कृष्ण आडवाणी को थी। तभी वो इसी उद्देश्य के साथ बिशन सिंह शेखावत के घर पहुंच गए। बिशन सिंह शेखावत भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई। जनसंघ उन्हें सीकर की दातारामगढ़ सीट से चुनाव लड़ाना चाहता था, पर पत्रकार और स्वभाव से मजदूर और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के बिशन सिंह शेखावत नहीं माने। बोले, मेरी नई नई नौकरी है, मेरे बड़े भाई को लड़ा दो। फिर क्या था, भैरव सिंह शेखावत अपनी पत्नी से 10 रुपये का नोट लेकर निकल पड़े और चुनाव जीतकर लौटे। हम उस दस्तावेज को भी सामने ला रहे हैं जब 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। भैरव सिंह शेखावत के अनुज बिशन सिंह शेखावत भी
को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 15 दिसंबर 1948 को हिरासत में लिया था। इन्हें बाद में सत्याग्रही कहा गया। दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह वो पन्ना जब तमाम प्रमुख जनसंघ के नेता गिरफ्तार हुए थे। जेपी माथुर का नाम आप सबसे ऊपर देखेंगे, लेकिन उसमें बिशन सिंह शेखावत का भी नाम है। आज़ाद भारत का पहला चुनाव था। इसमें हर दिन मतदान पार्टी नए गांवों में जाती थी और लोगों को बताती थी कि ऐसे वोट डालो। ऊँटों पर बैठकर मतदान पार्टियां गांवों के अंदर जाती थी और उम्मीदवार भी ऊँटों पर बैठकर ही प्रचार के लिए जाते थे। साधनों का अभाव था, वोट एक महीने तक पड़ते थे। जाहिर है चुनाव के साथ साथ प्रचार भी चलता रहता था। भैरव सिंह शेखावत को उन दिनों पार्टी की तरफ से किराए के एक स्टेशन वैगन मिली थी, मगर वैगन चलाने के लिए सड़कें भी तो चाहिए, जो ज़्यादातर जगह नहीं थी। ऐसे में भैरव सिंह शेखावत का प्रचार ज़्यादातर ऊँट पर बैठकर ही हुआ। फिर ऊँट तो ऊँट ही होता है, फिर क्या, सियासी ऊँट ने करवट ली और जनसंघ से दाता रामगढ़ विधानसभा सीट से भैरव सिंह शेखावत विधायक बन गए। उन्हें वोट मिले 9972। 1952 में राजस्थान की पहली विधानसभा में चुने जाने के बाद भैरव सिंह शेखावत की जीत का सिलसिला अगले 3 चुनाव में बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान कई खास बातें हुईं। वो हर चुनाव में अपनी सीट बदल लेते थे, ऐसी चर्चा उस दौर के सियासी गलियारों में आम थी। 1957 में वो सीकर की श्री माधोपुर सीट से चुनकर आए। 1962 और फिर 1967 में उन्हें जयपुर की किशनपुर सीट से विधायक चुना गया। 1972 में वह जयपुर की गांधीनगर सीट से मैदान में थे। यहाँ सामने थे संजय गांधी के चहेते युवा तुर्क कांग्रेस के नेता जनार्दन सिंह गहलोत। इनकी तूती उस समय राजस्थान की कांग्रेस में बोला करती थी। प्रचार के दौरान भैरव सिंह शेखावत एक शाम वोट मांगते हुए अपने विरोधी जनार्दन सिंह गहलोत के घर पहुंच गए। ऐसा कम होता है जब कोई प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता है, लेकिन वो प्रत्याशी अपने विरोधी प्रत्याशी के यहाँ पहुँच जाए। भैरव सिंह शेखावत अलहदा थे। जनार्दन सिंह गहलोत के माता पिता से जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसी बीच जनार्दन सिंह भी पहुंच गए। भैरव सिंह शेखावत उनसे सीनियर थे, इसलिए जनार्दन सिंह गहलोत ने भी आशीर्वाद उनका लिया। इसी बीच भैरव सिंह शेखावत ने जनार्दन सिंह गहलोत से कहा, घबराओ मत, चुनाव तो थे ही जीत शो। लैंग्वेज राजस्थानी थी, लेकिन भाव सियासी थे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि भैरव सिंह शेखावत कैसे अजात शत्रु कहे गए, लेकिन इतिहास में हम आपको बताते हैं कि अजात शत्रु था कौन, ये भी जानना जरूरी है। अजात शत्रु हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार के पुत्र थे। अपने पिता को मौत के घाट उतारकर अजात शत्रु मगध के राजा बने। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर अजातशत्रु ने बुद्ध की अस्थियों को प्राप्त करने का प्रयास किया था। आज़ाद भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत को अजातशत्रु कहने के अनेकों कारण हैं। भैरव सिंह शेखावत को उनके छोटे भाई बिशन सिंह शेखावत ने सबसे पहले अजातशत्रु कहा था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। अपने अजातशत्रु होने का धर्म उन्होंने
अपने घर में ही सबसे पहले प्रयोग किया था। दौर था उस समय जागीरदारी प्रथा का। जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के बाद जमीनों की पैमाइश होकर संपत्ति के नए पर्चे बन रहे थे। तीनों छोटे भाई नाबालिग थे। भैरव सिंह शेखावत ने अपने पिता की जमीन को तीन छोटे भाइयों के बीच बांट दिया और खुद ने एक बिस्वा भूमि भी अपने नाम नहीं रखी। उस दौर में मात्र खेती करके परिवार का पालन पोषण होता था, लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह परिवार के मुखिया भैरव सिंह शेखावत ने अपने छोटे भाइयों को अपने हिस्से की जमीन दे दी, और इतना ही नहीं, सबसे छोटे भाई को सबसे अधिक जमीन दी। ये एक ऐसे अजात शत्रु है जो केवल मित्रता करते हैं, दुश्मन इनका कोई नहीं है दुनिया के अंदर, और दुश्मन को वो दुश्मन नहीं मानते। ऐसे कई बार मौके आए कि जिनमें उनका घोर विरोधी बड़ी मुश्किल से उनके यहाँ पर पहुंच गया। मैंने खुद ने अपनी आंखों से कई बार देखा 51 सरदार पटेल मार्ग पर, जहाँ मैं रहता भी था, 6-7 महीने रहा था वहाँ, तो वहाँ कई नेता लोग आते थे और हम ये समझते थे कि ये क्या है, लेकिन उनका जो मित्र याराना जो अंदाज था, जो उनकी मित्रता का भाव था, वो एक अलग ही भाव था। दौर था आपातकाल का। सब जानते हैं कि जेपी मूवमेंट उस दौर का पर्याय था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरे देश में कांग्रेस के विरोध में लहर चल रही थी। नेता लामबंद थे। भैरव सिंह शेखावत को रोहतक की जेल में बंद किया गया। इसी जेल में बंद थे पीलू मोदी, अशोक मेहता, चौधरी देवीलाल, सिकंदर भक्त, पीजू पटनायक जैसे धुरंधर नेता। अलग अलग विचारधारा के इन दलों के नेताओं ने जेल में जानी भैरव सिंह शेखावत की खांटी सियासत, और कहा जा सकता है कि पता लगाया कि आखिर भैरव सिंह शेखावत इनमें अलहदा क्यों है। एक दौर ऐसा भी आया जब भैरव सिंह शेखावत को गंभीर सियासी संकट का सामना करना पड़ा। पहला ही दौर था उनके जीवन का, और ये कहा जा सकता है कि भैरव सिंह शेखावत ने अपनी अल्पसंख्या के बावजूद भी अपनी सरकार बचा ली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को अभ्यस्त करने की हर तरफ कोशिशें हो रही थी। शेखावत के समर्थकों ने भी उन गतिविधियों का पूरी ताकत से मुकाबला करने का निश्चय कर लिया था। जनता पार्टी के कुछ मुख्य सदस्य समय समय पर शेखावत के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करते रहे थे। उनमें प्रमुख रूप से वित्त मंत्री मास्टर आदित्येंद्र, श्रम मंत्री प्रोफेसर केदार, विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर और पार्टी के मुख्य सचेतक नवनीत पालीवाल। अप्रैल का महीना 1979 का वह दौर, राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर सर्वोदय नेता गोकुल भाई भट्ट ने अनशन पर बैठने की धमकी दे दी थी। विधानसभा और विधानसभा के बाहर सियासत गर्मा गई। असंतुष्ट भी इस बहाने शेखावत को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की सोचने लग गए, लेकिन अजात शत्रु की सियासत का उन्हें अंदाजा नहीं था। असंतुष्टों के मंसूबों पर उस समय पानी फिर गया जब भैरव सिंह शेखावत ने गोकुल भाई भट्ट को पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल 1980 तक स्थगित करने के लिए मना लिया। दिलचस्प बात थी, एक असंतुष्ट विधायक ने इस मांग के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया था कि 1 अप्रैल 1980 से नहीं बल्कि 1 अप्रैल 1979 से राज्य में शराबबंदी लागू की जाए। दिलचस्प बात यह भी थी कि वित्त मंत्री मास्टर आदित्येंद्र, जिनके खुद के पास शराब का महकमा था और उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी थी, वे ही अपने पद से त्यागपत्र दिए बिना अनशनकारियों के साथ हो गए। मास्टर आदित्येंद्र के साथ भैरव सिंह शेखावत की अदावत पुरानी थी।
मास्टर आदित्यन्द्र सीएम बनने की रेस में थे, जब जनता पार्टी के विधायक दल का उन्हें नेता बनाया गया। विधायक दल में 152 वोट में से मास्टर आदित्यन्द्र को मिले सिर्फ 42, बाकी 110 वोट भैरव सिंह शेखावत को मिले। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत सरकार और चंद्रशेखर समेत जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जयपुर पर नजरें गड़ी हुई थी। मधु लिमे भी शंकित थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने मास्टर आदित्यन्द्र का आशीर्वाद लेकर संकट फौरी तौर पर टाल दिया था। अंदर खाने की खबर यह भी थी कि किसान नेता दौलतराम सारण ने यह संकट टलवाया था और मास्टर आदित्यन्द्र को भैरव सिंह शेखावत के पक्ष में वोटिंग के लिए मनाया। आगे चलकर मास्टर आदित्यन्द्र को भैरव सिंह शेखावत ने अपना वित्त मंत्री बनाया, लेकिन अदावत जारी थी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मोरारजी देसाई, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, असंतुष्ट विधायकों ने मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आखिर क्या शिकायत की थी। मास्टर आदित्यन्द्र, प्रोफेसर केदार, नवनीत पालीवाल, जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष टीकाराम पालीवाल, महामंत्री फूलचंद जैन समेत प्रमुख नेता थे। मुख्यमंत्री के खिलाफ 14 पन्नों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा गया। प्रधानमंत्री के सामने शेखावत पर पहला आरोप, शेखावत का शासन ऐसा है जैसा इंदिरा गांधी के समय का आपातकाल था। दूसरा आरोप, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत अपनी पक्षपातपूर्ण निरंकुश नीतियों से पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। तीसरा आरोप, मुख्यमंत्री शेखावत नौकरशाही के पंजे में है। चौथा आरोप, मुख्य सचिव नवनीत पालीवाल और अन्य विधायकों ने शेखावत के व्यवहार को तानाशाहपूर्ण बताया। विधानसभा अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह ने खुलेआम सरकार को निष्प्रभावी और निकम्मी कहा। पांचवा आरोप ये लगाया गया कि पिछले 2 वर्षों से एक व्यक्ति की कारण पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। छठा आरोप, मंत्रियों और विधायकों की गुप्त फाइलें खोली जा रही। सातवां आरोप, पार्टी पर अपना व्यक्तिगत वर्चस्व स्थापित करने और पार्टी के लोगों की उपेक्षा की जा रही। आठवां आरोप, राज्य के समस्त संसाधनों का अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने में दुरुपयोग किया जा रहा। नवा आरोप, मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार। दसवां आरोप, नौकरशाही पर निर्भरता के कारण प्रशासन पंगु बन गया। ग्यारहवां आरोप, मुख्यमंत्री अपनी जाति के अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रहे हैं। बारहवां आरोप, मुख्यमंत्री गुट के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अकेले शराब के मामले में इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। 13वां आरोप, उद्योग मंत्री सूर्य नारायण चौधरी, कृषि मंत्री कल्याण सिंह कालवी, गृह मंत्री संपत राम भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। 14वां आरोप, अपने पिट्ठुओं को प्रोत्साहन देते हुए सरकारी ठेके दिए जा रहे हैं। अब देखिए, आज के सियासी दौर में हम जादूगर अशोक गहलोत को कहते हैं, लेकिन जादूगर तो भैरव सिंह शेखावत भी थे, वो भी गहलोत से पहले। अपनी सियासी जादूगरी से भैरव सिंह शेखावत ने अपना लोहा जरूर मनवा दिया था। अपना सियासी कौशल बिखेरने में भैरव सिंह शेखावत का कोई सानी नहीं था। जब भी वह मुख्यमंत्री बने, आंतरिक संकट उन्हें घेरे रहे। शेखावत 1980 में सत्ता से हटे और लगभग पूरे एक दशक तक दूर रहे। 4 मार्च 1990 को एक बार फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। दौर 1990 का था, यह शेखावत की अग्नि परीक्षा का साल था और इस दौर में भैरव सिंह शेखावत को कहा गया मास्टर मैनिपुलेटर। राज्य का भाग भैरव सिंह शेखावत के साथ था और ये वो दौर भी था राम रथ यात्रा का,
27 फरवरी 1990 को नवी विधानसभा के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 85 सीटें मिली और जनता दल को 54 सीटों पर विजय मिली। गठबंधन के नेता भैरव सिंह शेखावत को संयुक्त विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब हुआ यूं था कि बीजेपी के तत्कालीन नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा पूरे देश में इसकी गूंज थी। इस गूंज से राजस्थान भी अछूता नहीं था। जनता दल घटक को छोड़कर सभी मंत्रियों ने शेखावत मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए और सरकार अल्पमत में आ गई। समर्थन वापस लेते समय जनता दल के नेताओं को भरोसा था कि कांग्रेस विधायक दल के साथ मिलकर एक नई सरकार बना लेंगे और इसी सोच ने शेखावत के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी। बदले सियासी हालातों में राज्यपाल ने शेखावत को 8 नवंबर 1990 तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के निर्देश दे दिए थे। अब 8 नवंबर 1990 का दिन, भैरव सिंह शेखावत के लिए राजनीति का ये बेहद अहम दिन था। राजस्थान की विधानसभा विश्वास मत प्रस्ताव के लिए तैयार थी। सबकी नजरें टिकी थी शेखावत के सियासी चातुर्य पर। विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान हुआ। शेखावत सरकार के पक्ष में 116 मत आए और विरोध में मात्र 80 मत पड़े। शेखावत ने सियासी चातुर्य दिखाते हुए जनता दल को दो फाड़कर विभाजन करा दिया। यह अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इसी कारण लोगों ने उन्हें मास्टर मैनिपुलेटर की उपाधि से विभूषित कर डाला। लेकिन भैरव सिंह शेखावत की सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई। तब राम रथ यात्रा के कारणों से सरकार संकट में आई थी। इस बार राम मंदिर ले डूबा। 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढहा दिया था और उधर केंद्र सरकार ने भैरव सिंह शेखावत की सरकार को भी ढहा दिया। इस प्रकार शेखावत अपनी दूसरी पारी भी पूरी नहीं खेल सके। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और विधानसभा को भंग करना पड़ा। अब हम आपको ऐसी घटना सुनाते हैं जो भैरव सिंह शेखावत की पूरे राजनीतिक जीवन की शायद सबसे बड़ी घटना कही जा सकती है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कैसे कुछ महीनों पहले राजस्थान की मौजूदा सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने अपनी सरकार को बचाने के लिए राजभवन का रुख किया था। इतना ही नहीं, गहलोत के समर्थक विधायकों ने राजभवन में धरना भी दिया था। कलराज मिश्र इस वक्त राजस्थान के राज्यपाल हैं। क्या अशोक गहलोत ने कदम पुराने सियासी इतिहास के मद्देनजर उठाया था? हो सकता है, क्योंकि अध्याय के पन्नों में ये दर्ज है कि इतिहास में भैरव सिंह शेखावत भी अपने समर्थकों के साथ अपनी सरकार को बचाने के लिए राजभवन में धरना दे चुके हैं। ये बहुत ही रोचक घटनाक्रम है, तो सुनिए। साल 1993 और नवंबर का महीना, इस बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी गठबंधन के अकेले ही चुनावी समर में उतरी। विधानसभा के 86 स्थानों के मुकाबले इस बार बीजेपी के 95 उम्मीदवार विजय रहे थे। 3 वे निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत गए जिनके खिलाफ बीजेपी ने कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया था। कुल मिलाकर चुनाव की तस्वीर ये रही, बीजेपी को 95 सीटें मिली, कांग्रेस 76, जनता दल 6, CPM 1, निर्दलीय 21। मुकाबला था भैरव सिंह शेखावत और राजभवन के बीच का। राज्यपाल थे बलिराम भगत। इधर दल बदल के खेल में मास्टर कहे जाने वाले भजनलाल ने राजस्थान का रुख कर दिया था। कहा जाता है कि हरियाणा से अटैची लेकर वो राजस्थान पहुंचे थे। भैरव सिंह शेखावत को 3 निर्दलीय विधायकों के अलावा 5 और विधायकों की आवश्यकता थी। वहीं कांग्रेस को 24 की।
भैरव सिंह शेखावत ने राजनीतिक कारीगरी दिखाते हुए पहला काम यह किया, 9 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त किया और 104 विधायकों को अपने कैंप में एकत्रित कर लिया। 9 निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यपाल को लिखकर दे दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ बड़ा दिलचस्प है कि अहमद पटेल की राजस्थान में ये पहली सियासी अलग तरह की एंट्री थी। ये पहला मौका था जब कांग्रेस के आलाकमान ने राजस्थान में कूटनीतिक चौसर बिछाने के लिए अहमद पटेल को जयपुर भेजा था। मास्टरमाइंड अहमद पटेल उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव थे। वे केंद्रीय मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी के साथ जयपुर पहुंचे। कोटा के भुवनेश चतुर्वेदी को उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव का करीबी माना जाता था। इस समय कांग्रेस के कद्दावर प्रदेश अध्यक्ष थे परसराम मदेरणा। बीजेपी के नेता के तौर पर भैरव सिंह शेखावत थे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह गलती की और विधायक दल का औपचारिक नेता नहीं चुना। 4 दिसंबर को सुबह तक कांग्रेस विधायक दल बहुमत नहीं जुटा पाया था। शेखावत को अपने महत्वपूर्ण सूत्रों से ये पता लग गया था कि राज्यपाल का इरादा कांग्रेस विधायक दल के नेता हरिदेव जोशी को 4 दिसंबर के दिन ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी है, लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं था। भैरव सिंह शेखावत के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शेखावत ने आखिर क्या किया? अपने बीजेपी के विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ राजभवन कूच कर दिया। सरकार बनाने की मांग पर वो अड़ गए और राजभवन के अंदर ही धरने पर बैठ गए। लेकिन क्या ऐसे तात्कालिक कारण रहे कि राजभवन पर धरना देना पड़ गया? हुआ ये था कि राजभवन में राज्यपाल ने सभी विधायकों से मुलाकात की और उनके दावों की जांच की और ये कहा कि इस पर आज निर्णय नहीं होगा, कल होगा। राज्यपाल की इसी बात को लेकर बीजेपी और उनके समर्थक विधायक खफा हो गए। बीजेपी विधायक दल के नेता भैरव सिंह शेखावत ने राजभवन छोड़ने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि वे राज्यपाल का मुकम्मल फैसला सुनकर ही राजभवन से जाएंगे। राज्यपाल बलिराम भगत ने उनसे कहा, आप लोग इंतजार करें, मगर भैरव सिंह शेखावत ने ये कहा था उस समय, राज्यपाल महोदय, आप हमें राजभवन में नहीं रहना देना चाहते और सरकार बनाने का निमंत्रण लिए बिना जनता हमें बाहर आने नहीं देना चाहती। ऐसे हालात में हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम राजभवन में ही बैठे रहें। आखिरकार राजभवन को झुकना पड़ा। भैरव सिंह शेखावत ने आवश्यक बहुमत साबित कर दिया और उसी दिन भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। शेखावत के मुख्यमंत्री के रूप में यह तीसरी पारी थी। भैरव सिंह शेखावत ने अपनी 2 सरकारों में जिस तरह सियासी तूफानों का सामना किया, उन घटनाक्रमों ने उन्हें देश के राजनीतिक मानचित्र पर चमका दिया। आगे क्या हुआ? भैरव सिंह शेखावत को किसी भी एक एपिसोड में मान कर नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि अध्याय के अगले पन्नों से भी राजस्थान के इसी सियासी शेर के अहम प्रसंगों को हम सामने लेकर आएंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।